बसीम से पाकिस्तान मैं हूँ का मेज़बान साजा गौरी नाजरीन में आज यू सी एच हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा सामान पड़ा पानी खुश्क जो रस हैं बिस्किट हैं और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि मेरा कैमरा में दिखाएगा कपड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है सेवेंटी फाइव परसेंट जो पानी है वो खैबर उसके बाद बलोचिस्तान और इंटीरियर सिंध के अंदर पानी से जो सैलाब हमारे पाकिस्तान में आया घर के घर उजड़ गए और वहाँ पर लोग खाने के लिए कपड़े पहनने के लिए बड़े परेशान हैं और हर एक पाकिस्तानी जो खुशहाल है वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि आप हमारी तरफ आएं हमारी हेल्प करें इसी तरह ही यूसीएच की तरफ से जो कि हमारा मसीही कौम का एक हॉस्पिटल है और हमें फख्र है कि यू एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है सलाबदा दुकान के जो लोग हैं उनके लिए ये पानी बिस्किट रस क्योंकि कपड़े भी आप देख सकते हैं कि रस जो इस वजह से दे रहे हैं कि वहां पर ना तो पकाने के लिए उनके पास बर्तन है और ना कोई ऐसी चीजें हैं जिससे वो कुछ पका सके लेकिन ये चीजें इस तरह की हैं कि ये आप दूध के साथ भी खा सकते हैं नाजरीन इस जो वेलफेयर काम के लिए यहाँ पर यू हॉस्पिटल की मैनेजमेंट यू जो है फ्रेंड्स ग्रुप और ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ये जो अदारे हैं इन्होंने मिलकर इस काम को सर अंजाम दिया है तो मैं आपकी इन अदारे के बंदों से बात भी करवाऊंगा जिस अज़म के साथ इन्होंने ये काम शुरू किया है पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त इस पानी की जर्द में आ गए हैं उनके लिए बेहतर इकदाम साबित होगा तो आइए इनसे जरा बात करते हैं यू सी इंतज़ामिया की तरफ से इमरान टाइटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि जब से यूसी एच बहाली की तरफ आ रहा है इनका बड़ा अहम रोल है और इस काम में भी ये अहम किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान टाइटर साहब ये बताइएगा कि ये सारा जो मामला हैं सैलाब के लिए जो आपने सारा इकट्ठा किया है ये किस आजम के साथ किया है और किस तरह इसको वहाँ तक पहुँचाएंगे आप Uh, साजिद गौरी साहब मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ आपका नेशनल न्यूज़ का जो आप हमेशा यू सी एच को कवरेज देते हैं और आज मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा अपने उन बहन भाइयों की जो सलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और टीवी पे जो हम देखते हैं वो बहुत कम है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने उन सारे दोस्तों का जब हमने उनको ये कॉल दी कि हमें अपने तौर पे जो भी हम कर सकें हम आ, आ, उन बहन भाइयों के लिए मदद करें जिसमें हमारे क्रिश्चियन बहन भाई भी हैं हमारे मुस्लिम बहन भाई भी हैं और इस वक्त मज़हब की तो बात ही नहीं है ये एक कौम की बात है बाहसीत पाकिस्तानी हम थोड़ा कर सकें ज्यादा कर सकें हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम उन लोगों की मदद करें दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग खुद नहीं जा रहे बिकॉज आप लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि सामान को लूट लिया गया या एक और मसला है कि अब जो जगह है, हर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उन जगहों पे सामान नहीं पहुंच पा रहा जहां पे ज्यादा जरूरत है या अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी सो so, हमने ये डिसाइड किया है अपने तमाम डोनर्स की मशावरत के साथ कि अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान रेंजर्स यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं वो हम उनको ये सामान हैंड ओवर करेंगे ताकि जहां पे इसकी एक्चुअल जरूरत है ये वहां पे सामान पहुंचे और बाहिफाजत पहुंचे ठीक है नाजिर आप सुन सकते हैं कि जिस तरह साहब बता रहे हैं कि ये सारा सामान हम खुद ही लेके जा रहे हैं लेकिन पाक आर्मी जो हमारी है पाकिस्तान की वो इसमें अहम किरदार अदा कर रही है बल्कि हर दफा कोई भी ऐसे मामला पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वहां पर हमारी जो पाक आर्मी है एक अहम किरदार अदा करती है यहाँ पर भी पाक आर्मी जो है हिफाजत के साथ ये सारे सामान को उन जगह पर पहुंचा रही है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है तो मैं जो है ह्यूम सर्विस वेलफेयर के जो है हेड हैं उनसे ही बात करता हूँ उनसे पूछता हूँ कि किस तरह इन्होंने कलेब्रेशन की यूसीएच के साथ और ये सामान जो है तक पहुँचा रहे हैं जी नाजिर हमारे साथ जबील साहब मौजूद हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के तरफ से यहाँ पर ये सारा काम कर रहे हैं और उन्होंने यू के साथ कलेब्रेशन की और सामान ये जितना भी हो सका इन्होंने अपने वेलफेयर की तरफ से दिया है तो किस अज़म के साथ ये सारा काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी वेलफेयर काम कर रही है आ, जी बहुत शुक्रिया साजिद गौरी साहब और नेशनल न्यूज में बहुत शुक्र करता हूँ आप लोगों का कि आपने हमें अपना टाइम दिया हमारे लिए कवरेज के लिए आए आ, आपने सवाल किया है कि हम कहाँ कहाँ सर्विस करें साहिद साहब बेसिकली हमने ये जो स्टार्ट लिया है एक चर्च से लिया है एज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद ये जब सैलाब का मामला हुआ हमने देखा हमारे पाकिस्तानी कौम हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस सैलाब की जद में आए हैं और वो नहायत परेशान हैं और क्योंकि सोशल मीडिया पर सारा सामने आता रहता है हमने कुछ अपने रिसोर्सेस से पता किया कि वहाँ पर मामला बहुत ज्यादा ख़राब है तो हमने इनिशेटिव लिया कि क्यों ना हम अपने तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेब्रेशन करके कोई ऐसा मामला करें जो हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव स्वेन के तौर पे हम उनको दे सकें तो इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ यू हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन का साथ अपारा फार्मेसी का कि उन्होंने हमारे साथ कॉलेब्रेशन की और हमने यहाँ पर कैंप लगाया और ये तमाम डोनर से हमने रिक्वेस्ट की जो जिन डोनर्स दो, ने हमें ये डोनेट किया है मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कॉपरेशन की तो आज आपके सामने जो कुछ हम कर सकते थे अपने तौर पर हमने किया और आने वाले टाइम में भी हम चाह रहे हैं क्योंकि ये सैलाब जो है ये मामला जो हैं पाकिस्तान में ये एक ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि मजीद जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे मामला हमारे मुल्क में हो सकते हैं तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कोई अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कम्युनिटी में जो है लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि वो किस तरह अपने आप को सैलाब से महफूज रख सकते हैं इन मामला से महफूज रख सकते हैं आज मैं स्पेशल शुक्रगुजार हूं हूँ पाकिस्तान रेंजर का जो कि अभी आ रहे हैं जिनकी हैंड ओवर हम ये सारा सामान करेंगे हम खुद वहाँ तक जाना नहीं चाहते थे इसलिए कि हमने तमाम कॉस्ट निकाली उसकी कैलकुलेशन की तो हमने ये देखा कि अगर हम वहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है काफी ज्यादा और वो कॉस्ट हम अगर इसी काम में यूटिलाइज उसकी हम यूटिलाईज परचेज करके उन्हें भेज दें तो ये हमारा मेन फैसला था कि हम इसलिए हम खुद नहीं गए वहां पर बल्कि हमारी कुछ टीम्स गई हैं उनसे हमारा रबते हैं हमें वो गाब गा बह चीजों से जो है वो आगाह कर रहे हैं तो आज आपके सामने ये सारे मामला मैं दोबारा आपका भी शुक्र अदा करूंगा कि आप हमारे कवरेज के लिए यहाँ पे तशरीफ लेके आए और इन हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होंगे यूसीच फ्रंट की तरफ से हमारे साथ सलीम साहब मौजूद हैं साहब ये बताइएगा कि ये कार्यालय में आपने बहुत सारा हिस्सा डाला है तो क्या आज लेके आप इस काम के आगे बढ़ बढ़ के जा रहे हैं यूनाइटेड क्रिस्ट हॉस्पिटल गुजशत छः दहाइयों से इंसानियत की खिदमत कर रहा और इस वक्त भी जबकि सैलाब ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में तो वही जज्बा जो आज से छह दहाय पहले इनमें था उसी को सामने रखते हुए उनकी मदद के लिए यूसी एच ने ये कदम उठाया और यू सी एच मैनेजमेंट इसके लिए ये खराज तहसीन की मोस्क है कि जिन्होंने सबकी हौसला अफजाई की उन्हें आमादा किया, किया और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और आज आप देख रहे हैं कि इनकी मेहनत और काविश रंग लाई है और बहुत सा सामान हमारे उन भाइयों के लिए उन बहनों के लिए उन बच्चों के लिए है जो कि पानी में फंसे हुए हैं और मदद के मुंतजिर है मेरी दुआ है कि यूसीएच यूं ही तरक्की करता रहे गॉड ब्लेस अच्छा मैंने सुना कि के आपने केपीके के अंदर भी आप गए हैं और वहां पर क्या सूरत देखी है कैसे लोग वहां पर इस जो अजाब में फंसे हुए हैं सोशल मीडिया में बहुत सी फिल्में हैं वहाँ पर जब हम गए तो कुछ लोग तो अभी बेहतर हालत में है लेकिन बहुत से लोग अभी भी खासकर जो, खास जो दरियाओं के किनारे पर मौजूद हैं उनकी हालत अभी दुरुस्त नहीं है फौज और हुकूमत ये बहुत सी मदद कर रही है लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नाकाफी है क्योंकि जब तक हम सब मिलकर इसमें अपना अपना हिस्सा नहीं डालेंगे उस वक़्त तक इनकी बहाली मुमकिन नहीं होगी नाजरीन आपने सारी गुफ्तु सुनी सारे मामला को देखा जो हमने आपको दिखाया है कि किस तरह यहाँ पर सामान इकट्ठा किया गया सैलाब जदगान जहाँ जहाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पानी है वहाँ पर मुस्लिम कम्यूनिटी हिंदू कम्यूनिटी और हमारी मसीही कम्यूनिटी भी मुतासर हुई है और हमारे इस प्लेटफार्म पर जो यू सी एच का प्लेटफार्म बना जहाँ पर लोगों ने डोनेशन दी हर किस्म की पानी की शक्ल में कपड़ों की शक्ल में और खुश्क जो है मेवा जात उनकी शक्ल में ताकि वहाँ पर जो मुतासरीन है वहाँ तक के सारा सामान पहुँच सके और सबसे अहम रोल जो है हमारी पाक आर्मी का है जो बाफाजत ये सारा सामान वहाँ तक पहुँचाएंगे और उन लोगों को जिनको वहाँ पर जरूरत है उन तक ये पहुँचाएंगे क्योंकि ज़्यादातर यही वजह आ रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि जहां जहां सामान जाता है लोग वहां पर लूट लेते हैं लेकिन जब हमारी पाक आर्मी अपनी हिफाजत से सामान लेके जाती है तो वहां तक पहुंचता है जहां पर लोगों की जरूरत है मैं नेशनल न्यूज की तरफ से पाक आर्मी को सल्यूट करता हूँ क्योंकि हमारी पाक आर्मी हर उस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ी होती है फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरा मैन तारक पह को जा दीजिए खुदाफि